हेलो ब्यूटीफुल पीपल वेलकम बैक टू माय चैनल इफ़ यू न्यू हेर माय नेम इस पूजा तो अगर आप जानना चाहते हो कि हाउ आई गो दिस ब्यूटीफुल मेकअप लुक विद मिनिमम प्रोडक्ट तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दो लेट स्टार्टिड मैं फर्स्ट में मतलब डे में मेकअप कर रही थी तो मैंने फर्स्ट में लगाया सनस्क्रीन एकोलॉजी का जो कि मेरा फेवरेट है देन उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का हाईलाइटिंग प्राइमर अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी मॉइस्चराइजर का भी काम करता है आपके स्किन को हाईलाइट भी करता है देन उसके बाद मैं लगाऊंगी टू कंसीलर लिए मैंने एक मेरे शेड्स का है लोरियल का बेस शेड जहाँ कि मैंने अपने डार्क स्पॉट्स के जो भी मार्क्स है उसको कवर करने के लिए और कवर लगाने के बाद उसको अच्छे से हम उसको ब्लेंड करेंगे क्योंकि आज हम फाउंडेशन का यूज नहीं करने वाले गाइस तो इसी के साथ हम अपने मेकअप को कंप्लीट करेंगे और एक कंसीलर आप लाइटर शेड ले सकते हैं अपने फेस से तो वही लोरियल के आ, मैंने लिया है एक शेड लाइटर जो कि है एम्बर शेडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी यही याद है मुझे तो उसके बाद ये मेब्लिंग का पोलेस पाउडर है जो कि ख़त्म होने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छा है के पोर्स को क्लॉग नहीं करता ये तो डेफिनेटली मैं रिपर्चेस करने वाली इस प्रोडक्ट को या गाइस इसी टू प्रोडक्ट के साथ लिपस्टिक और हाइलाइटर के साथ मैं अपना आई लुक आज कंप्लीट करने वाली हूँ और ये लुक उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता और ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट वो कैरी नहीं करना चाहते कहीं जाते वक्त तो बस आपने वैनिटी में एक ब्राउन लिपस्टिक न्यू टाइप की शेड और एक हाईलाइटर आप कैरी कीजिए आपका जो भी आई लुक होगा वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और किसी भी आउटफेयर इंडियन और वेस्टर्न आउटफेयर में चला जाएगा ठीक है उसके बाद लिपस्टिक ब्लेंड करने के बाद आपको लगता है कि आपकी क्रीज लाइन दिख रही है तो उसी फेस पाउडर के साथ आप ब्रश पे लेकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो कि कहीं पैचिस ना दिखे ठीक है इवन आउट दिखे पर लिपस्टिक लगाते हैं वो जल्दी जल्दी से आपको ब्लैंड करना है क्योंकि लिपस्टिक ड्राई होने के चांस ज़्यादा होते हैं ठीक है देन अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसी हाईलाइटर से आ, मैं पूरे आई लिट पर इसको लगा लूँगी ठीक है दोनों आइस पे आपको सेम करके लगाना है फिर जो क्लीन फिंगर है उससे आप उसको ब्लेंड करो पहले प्लेस करो देन क्लीन फिंगर के साथ उसको ब्लेंड करो दोनों आइस पे सेम करेंगे और आज फोल स् नहीं लगाएंगे तो मैंने मस्कारा मेब्लिन का मस्कारा यूज़ किया था और ये ब्राउन आईलाइनर का जो वीडियो है वो अलग से आएगा कौन सा बहुत ही अच्छा आई है गाइस ठीक है देन उसके बाद मैं लिप एंड चिक टिंट लगाऊंगी जो कि है लव अर्थ यस पिंक शेड का है तो बहुत ही अच्छा आजकल मुझे लिप टिंट से बहुत ही प्यार ही हो गया है वैसे आप लोग अगर मेरी वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि मैं लव अर्थ आ, नहीं द द अर्थ रिदम के लिप एंड चिक टिंट यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन के भी यूज़ कर रही हूँ ठीक है देन उसके बाद उसी हाइलाइटर को हम अपने हाइट पॉइंट में लगा लेंगे चिक्स बोन पे नोस पे चिन एरिया पे अच्छे से लगा लेंगे तो या गाइस इस मेकअप लुक को मैंने बहुत ही इजी वे में क्रिएट किया है कि कोई बिगनर है उनको हेल्प मिल सके ठीक है तो ये हल्दी मेकअप लुक किया है विद मिनिमम प्रोडक्ट के साथ तो इसी लिपस्टिक को हम अपने लिप्स पे भी लगाएंगे ठीक है लिप लाइनर है स्विस ब्यूटी का और लिपस्टिक मैं आपको शायद नहीं बताई थी ये लिपस्टिक है मेबलिन मैट इंक हाँ तो या गैस आपको मे बी आपको थोड़ा वीडियो ब्लर दिख रहा है बिकॉज जब मैं वीडियो शूट करने कर रही थी टू थर्टी पे तब मतलब सनलाइट बहुत अच्छे से था जैसे मैंने कैमरा ऑन किया लाइट मतलब सनलाइट ही चला गया तो फिर भी मैंने बोला नहीं आज करूँगी टाइम निकाल कर मेकअप लुक को आ, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू किया इस मेकअप लुक करने के लिए तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और यहीं पे मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है और इस मेकअप लुक को मैं इयर छोटे वाले लगाऊँगी और इस इयर का भी छोटू सा मिनी हॉल आने वाला है तो स्टे ट्यून गाइस आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना बाय